डर को आंखें दिखाने वाले शख्स की कहानी रोमांचित कर देगी। व्हीलचेयर पर करता है हैरतअंगेज करतब। व्हीलचेयर पर बैठा इंसान शायद आपको लाचार लगे, लेकिन आरोन फोथरिंगम ने व्हीलचेयर से स्टंट करते हुए लोगों का मनोबल ही नहीं बढ़ाया बल्कि उन्हें अपने से बहुत कुछ सीखने के लिए भी लोगों को मजबूर कर दिया। 360 डिग्री पर घुमा देने वाले आरोन ने कई प्रतियोगिताओं में इनाम भी जीता है। अपनी व्हीलचेयर पर 360 डिग्री पर पलटते हुए आरोन के साहस की जितनी भी प्रशंसा की जाए वे कम है। उनके करतब देखकर आप भी उनकी प्रशंसा करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। वास्तव में इनकी जिंदगी एक प्रेरणादायक है जो हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। यदि आप सचमुच में अपना लक्ष्य अपने दिमाग में तय कर लेते हैं तो अपनी व्हीलचेयर पर 360 डिग्री पर पलटते हुए आरोन के साहस की जितनी भी प्रशंसा की जाए वे कम है। उनके करतब देखकर आप भी उनकी प्रशंसा करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। वास्तव में इनकी जिंदगी एक प्रेरणादायक है जो हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। यदि आप सचमुच में अपना लक्ष्य अपने दिमाग में तय कर लेते हैं तो इसके साथ ही आरोन खतरनाक खेलों के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं और हमेशा आश्चर्य करते थे कि पेशावर लोग कैसे यह करतब करते हैं। उनके सबसे बड़े आदर्शों में से एक उनके अपने ही भाई हैं। आरोन ने एक साक्षात्कार में कहा कि मेरा भाई एक BMX सवार था। जब मैं अपने भाई के साथ लास वेगास एलएस वेगास नेवाडा नेवेदा स्केट पार्क गया जहां मैं रहता था, उन्होंने पहली बार BMX ट्रैक पर मुझे अपनी व्हीलचेयर के साथ चलने में मदद की। मुझे इस खेल से प्यार हो गया। एक बार जब आरोन ने BMX ट्रैक का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने नए दांव आजमाए और समय के साथ अद्भुत करतब करने शुरू कर दिए जो दर्शकों को उम्दा लगे। वह अपनी व्हीलचेयर पर रहते हुए फ्रंट फ्लिप, बैक फ्लिप, दोहरी बैक फ्लिप और बहुत कुछ कर सकते हैं। आरोन ने संयुक्त राज्य में खतरनाक खेलों की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। यहां तक कि वे एक रियलिटी शो में भी दिखाई दिए और एक प्रसिद्ध टेलीविजन धारावाहिक ग्ली में उन्होंने बतौर करतब सवार का काम किया है। आरोन अन्य विकलांग लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि यह हमेशा ही बहुत अच्छा होता है जब लोग उससे प्रेरित होते हैं जो मैं करता हूँ। मैं लोगों को कभी नहीं कहता कि यह चीजें करने की कोशिश मत करो, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि जब तक आप तैयार ना हो तब तक कुछ भी करने का प्रयास न करें। आरोन ऐसे भविष्य का सपना देखते हैं जब एक विकलांग व्यक्ति सहज रूप से मैदान में जा सके और अन्य नियमित लोगों की तरह चीजें कर सके बिना किसी सहानुभूति और दया के।